బ్రేకింగ్ న్యూస్ చూస్తున్నాం. జమ్మూ కాశ్మీర్ లో పుల్వామా జిల్లా ప్యాంపూర్ లో ప్రవేశించిన ఉగ్రవాదులు అక్కడ నుంచి వెళ్తున్న ఆర్మీ కాన్వాయ్ పై విచక్షణ రహితంగా కాల్పులకు తెగబడ్డారు. ఈ దాడిలో ముగ్గురు జవాన్లు ప్రాణాలు కోల్పోయారు. అక్కడ జనసమూహం కూడా ఎక్కువగా ఉండడంతో ఎదురు కాల్పులకు దిగడానికి జవాన్లకు చాలా సమయం పట్టింది. ఉగ్రవాదులు అక్కడి నుంచి పరారయ్యారు. దీంతో వారి కోసం భారత భద్రతా దళాల సెర్చ్ ఆపరేషన్ కొనసాగుతోంది. सर क्या हुआ सर? आज 3 बजे करीब आर्मी पड़वा जा रही थी, टेररिस्ट अटैक हुआ है, उसमें सिक्योरिटी फोर्सेज ने भी रिटेलिएट किया है, जेकेपी ने, सीआरपी ने, क्योंकि यहाँ काफी ज्यादा पब्लिक थी इसलिए खुल के सिक्योरिटी फोर्सेज फायर नहीं कर पाए. अभी तक यही हुआ, हम लोग बाकी देख इट इज नॉट कन्फर्म्ड एज येट. सर पहले इनपुट्स थे सिक्योरिटी फोर्सेस के पास, सिक्योरिटी अलर्ट था, रेड अलर्ट रादर था, नेशनल हाईवे, क्या हम ये माने उसकी वजह से कोई कैजुअलिटी ज्यादा नहीं हुई? अलर्ट तो हम लोग हमेशा रहते हैं नेशनल हाईवे पे. तो और आज जो हुआ उसमें आर्मी वालों ने भी रिटेलिएट किया, सिक्योरिटी फोर्सेज ने भी रिटेलिएट किया, टेररिस्ट वाज फोर्स टू रन अवे, दे वाज फोर्स टू. अब वो डिटेल्स हम लोग पता कर रहे हैं. इस तरह के रिपोर्ट्स आ रहे हैं कि वो मोटरसाइकिल पे सवार थे दो मिलिटेंट्स. ऐसा अभी कंफर्म नहीं है, अभी कुछ ये कंफर्म नहीं है कि वो लोग कैसे आए थे, कैसे गए थे. मोटरसाइकिल में जो है मोटरसाइकिल वो उनकी नहीं है. सर अभी क्या और सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है? अभी क्या है? हाँ अभी सफिशियंट सिक्योरिटी. सर्च ऑपरेशन क्या अभी जारी है? जी जारी है. सर इस तरह के नेशनल हाईवे पे कई सारे अटैक्स अभी तक हुए हैं, रोकने के लिए क्या सुरक्षा बंदी हम लोग कर रहे हैं? हम लोग आप लोग देख ही रहे हैं, अटैक्स भी कम हो गए. लॉट ऑफ एफर्ट्स हैव बीन पुट इन, लॉट ऑफ न्यू थिंग्स हैव बीन डन एंड वी आर प्रिपेयर्ड टू फेस एनी अटैक. थैंक यू सर.